तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं एरर फॉर्मूला, और एरर फॉर्मूला का हम पार्ट टू चैप्टर टू हम डिस्कस कर रहे हैं। हमने कल की क्लास में आपके साथ डिस्कस किया था एरर का यूज होता है डेटा का किसी फॉर्मूले में डिस्ट्रीब्यूशन एंड कैलकुलेशन के लिए। तो चलिए हम एक एग्जाम्पल भी दिए थे, एक और एग्जाम्पल लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। जी दे दिया मैं परमिशन। इसमें बात आती है कि हम क्या वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं एरे में। जी वैल्यू को क्या स्टोर कर सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल हम आपको देते हैं कि मेरे पास कुछ कोड डले हुए 1 1 2 2 3 3 4 4 इस तरह से, और यहां पे मान लीजिए सिटी है दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, ऐसे और भी है। अब मैं यहां पे कोड डालू और यहां पे मुझे सिटी दिख जाए तो बोले सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम यहां वीलू कप लगाएंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और यहां पे कॉमा टू करके जीरो कर देंगे। लेकिन इस वी लुकअप लगाने के लिए मुझे किसी न किसी लोकेशन पे अपने डेटा को रखना पड़ेगा, समझे? किसी न किसी लोकेशन पे हमें अपने डेटा को रखना पड़ेगा। अब यही मैं नहीं चाहता, मैं इसी चीज को नहीं चाहता ना रखें। तो कैसे होगा? इसके लिए हम इफ लगा सकते हैं। तो चलो चार पांच केस है तो आप इफ लगा लेंगे, लेकिन 4-500 हुआ तो वहां तो इफ नहीं लगा पाएंगे ना। तो हमें वी लुकअप ही लगाना है, हम चाहते हैं कि डेटा वीलुकअप के अंदर ही, जैसे कि डूडू कर दिया यहां पे हम वीलुकअप, हम यहां पे नेस्टेड इफ ना लगा के हम एरे फॉर्मेट में डेटा को वीलुकअप के अंदर ही रख रहे हैं। हमने बोला कि अगर कॉमा क्या काम करता है, काम करता है कॉलन का। सेमीकॉलन काम क्या करता है? रो का। जहां रो चेंज हो रहा है वहां पे हमने सेमीकॉलन डाल दिया। क्या सर? यहां करीब आए करो क्लोज कर और यहां पे कॉमा 2, 3 आ गया। अब इसमें दो क्वेश्चन उठ के आते हैं, ये समझ में आया आपको कि नहीं नवीन जी एंड बाकी लोग, यूसुफ जी? यस सर। जी सर ये समझ में आ गया ना? जी सर। अब क्वेश्चन यहां पे आता है, दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, इसे तो बहुत बड़ा फॉर्मूला बन जाएगा तो इसको छोटा किया जा सकता है। हम क्या कर रहे हैं कि यहां फॉर्मूला बार में आपके सामने डिफाइन नेम है। डिफाइन नेम में मैंने यहां पे डेटा दिया और हमने इसको इक्वल करके डाल दिया एंड पॉइंट। मतलब कि अब मैं जो फॉर्मूला लगाऊंगा उसमें वी लुकअप इसको सेलेक्ट किया और हम डेटा कॉमा 2, 0 कर। तो पहले क्वेश्चन तो सॉल्व हो गई। दूसरी क्वेश्चन क्या था? दूसरी क्वेश्चन यही था कि मेरे पास लिस्ट ज्यादा है, जैसे यहां पे आईडी है और नेम है,
है। अब इसको टाइप करना तो बड़ी मुश्किल है ना, कैसे करें? तो इसके लिए हमारे पास एक तरीका है, लेकिन वो एमएस वर्ड में। तो मैं एमएस वर्ड खोलता हूं, ध्यान से देखिए। और यहां हम पेस्ट में, पेस्ट स्पेशल, इसमें हम कर देंगे अनफॉर्मेट यूनिकॉर्न टेक्स्ट। अब मुझे क्या करना है कि इन दोनों के बीच में मुझे सेमी कॉलम कॉमा ऐड करना है, और इनके और इंदर और 18 के बीच में क्या करना है, सेमी कॉलम करना है रो के लिए। तो इसलिए हम सिलेक्ट करते हैं और कंट्रोल एच फॉर रिप्लेस मोड पे आते हैं। यहां ऑप्शन होता है स्पेशल में, तो स्पेशल में हमने टैब को कॉमा से रिप्लेस ऑल कर दिया तो सारा रिप्लेस। हाँ देखिए, हो गया रिप्लेस, कॉमा लग गया। फिर यहां पे पैराग्राफ मार्क, मतलब कि क्योंकि जैसे कि पूजा और टू के बीच में एंटर है, मतलब कि पैराग्राफ है, सेमी कॉलन दिया रिप्लेस ऑल। इसमें एक चीज और रह गया है, क्या रह गया है, इनवर्टेड कॉमा। तो इनवर्टेड कॉमा हम यहां वर्ड पे नहीं लगाएंगे, क्योंकि वर्ड का इनवर्टेड कॉमा और एक्सेल का इनवर्टेड कॉमा दोनों अलग अलग होते हैं। एक सेल के अंदर डबल क्लिक करके मैंने पेस्ट कर दिया, अब मुझे इसमें इनवर्टेड कॉमा लगाना है। तो यहां भी मैं रिप्लेस का यूज करूंगा और कॉमा को रिप्लेस करता हूं कॉमा और स्टार्टिंग इनवर्टेड कॉमा, और सेमी कॉलन को करता हूं क्लोजिंग इनवर्टेड कॉमा एंड सेमी कॉलन। देखिए इसमें हर एक जो करेक्टर था उसके आगे हमारा लग गया। कुछ चीजें हैं जो मैनुअल करना पड़ेगा, जैसे कि यहां आईडी पे लगाना पड़ेगा, बाकी सब सेम है। अब मैं इसको कॉपी करूंगा और डिफाइन नेम में डीटी या जो भी नाम डिफाइन किया उसके अंदर मैं इक्वल कर्ली ब्रैकेट के बीच में, जी हाँ, कर्ली ब्रैकेट के बीच में इसको पेस्ट कर दूं एंड देन ओके। अब मुझे कहीं भी यहां लगाना है वीलू का, इसको सेलेक्ट किया और यहां पे हमने कर दिया डीटी कॉमा 2.0, इंटरफेस कर दिया। अब मान लीजिए कभी मुझे इस लिस्ट की जरूरत किसी सीट पे हुई तो इक्वल डीटी करके कंट्रोल एंटर मारिए, देखिए आ गया, समझ गया। तो सिर्फ इसमें वीलुकअप ही नहीं, किसी भी तरह के फॉर्मूले में कर्ली ब्रैकेट के अंदर में आप अपना डेटा को स्टोर कर सकते हैं, या फिर डिफाइन नेम में अपने डेटा को स्टोर कर सकते। इसमें कोई डाउट आप लोगों को? नवीन जी, निकिता जी, राहुल जी, वेंकट जी, सुरेश जी, शिव जी? सर ये सब करने की जरूरत क्या है? ये सब करने की जरूरत ये हुआ कि हमने अपनी जो भी, जैसे मान लीजिए बहुत सारे केसेस में आपको क्या होता है कि आपका इंसेंटिव का स्लैब होता है, कमीशन का परसेंटेज होता है, वो चीजें आप किसी डेटा किसी सीट पे स्टोर ना करना चाहते, तो डिफाइन नेम में डाल दीजिए या भी डायरेक्ट फॉर्मूला में डाल दीजिए। ओके, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं ये पता करना चाहता हूं कि इंसेंटिव ही मान लीजिए, समझ चल लीजिए, बता देता हूं आपको। मेरे पास यहाँ पे अब इंसेंटिव का स्लैब है कि यहाँ पे कि जीरो हुआ तो मुझे 500 to 40 41 to 80 पे 1000, 80 to, यहाँ पे
81 से 100 पे 2000 यहाँ पे कर देता हूँ, 100 से ज्यादा हुआ तो 5000। इंसेंटिव स्लैब, तो इसके लिए आपने याद होगा आपने इफ का कंडीशन लगाया था राइट, लेकिन अगर कंडीशन काफी ज्यादा है तो छोटी कंडीशन तो इफ लगा लेंगे आप, लेकिन कंडीशन इस तरह से नीचे और भी बहुत ज्यादा हो गया है तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, लुकअप लगाना पड़ेगा ना। हेलो, लुकअप, लुकअप में आपने यहाँ पे लुकअप डाल दिया और यहाँ पे आपने रिजल्ट वेक्टर डाल दिया, 100 आ गया। लेकिन इसके लिए मुझे यहाँ रखना पड़ रहा है ना, तो क्यों ना मैं ये चीज लुकअप फॉर्मूले के अंदर ही कर्ली ब्रैकेट में रख दू, यहाँ पे 0, 41, 81, 101, फिर वापस कर्ली ब्रैकेट 500, 1000, 2000 and 5000। मुझे भी इसको डिलीट कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, और हम फॉर्मूला को प्रोटेक्ट करते हाइड करके तो मेरा फॉर्मूला कोई स्लैब नहीं देख पाएगा ना, और डिफाइन नेम करेंगे जब इसकी क्वांटिटी ज्यादा है तो यहाँ पे टाइप करने में हमारा प्रॉब्लम होगा, और टाइप करने क्योंकि इसमें जो डलेगी तो एक सिक्वेंस में डलेगी ना, जैसे कि हमने भी लुकअप में डाला है ना, इस सीक्वेंस में डलेगी ना। अब इस सीक्वेंस में करने के लिए मैं वर्ड की मदद लूंगा, क्लियर है जी सर? इस सब जी क्लियर हुआ सर? वैल्यू के लिए भी हम वर्ड में जाके करेंगे? नहीं, जैसे कि नहीं समझे, आपके पास अगर इस तरह का लिस्ट है और अच्छा, उसको अच्छा, आपको इस तरह के में कन्वर्ट करना है तो हम वर्ड की मदद लेंगे, जो प्रोसेस मैंने बताया उस प्रोसेस का, ठीक है? ठीक है,